आप अपने जिलों में अपनी रणनीति को और मजबूत करते रहेंगे तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और आसान होगी। साथियों, इस समय कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बीते एक साल में करीब करीब हर मीटिंग में मेरा यही आग्रह रहा है कि हमारी लड़ाई एक जीवन बचाने की है, एक एक जीवन बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। इस बहुत बड़े वर्ग तक जब प्रशासन का एक भी व्यक्ति पहुंचता है तो या उससे संपर्क करता है, उसकी बात सुनता है, तो उससे बहुत बड़ा विश्वास जगता है। बीमारी से लड़ने की उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं जब होम आइसोलेशन में रह रहे परिवार के पास प्रशासन के लोग ऑक्सीमीटर लेकर जाते हैं, दवाएं लेकर जाते हैं, तो उसकी खोज खबर लेते हैं, तो उस परिवार को संबल मिलता है कि हम अकेले नहीं हैं। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। साथियों, पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमिटी जितना सही काम करेगी उतना ही ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल हो पाएगा।
साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। वैक्सीन वेस्टेज रोकने में जिला स्तर पर सही प्रबंधन की भूमिका के बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये समय एक प्रशासक के साथ ही एक ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक मैनेजर के रूप में भी आपकी भूमिकाओं को टेस्ट कर रहा है। मेडिकल से जुड़ी सप्लाई ही नहीं, बल्कि आपके जिले में दूसरी जरूरी सप्लाई भी पर्याप्त हो, ये बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि आप जो रोजमर्रा सरकार के कामों में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही जून महीना सामने आना शुरू होता है, आपका ध्यान मौसम, बारिश, क्या हो सकता है, क्या कर, उसमें जाता ही है। काफी आपको अटेंशन देना पड़ता है और इस बार भी बारिश अब शुरू होने जा रही है, तो स्वाभाविक आपको बरसात के मौसम की जो चुनौतियां हैं, जो एक्स्ट्रा आपके लिए बर्डन भी होती हैं, जिम्मेवारी भी होती हैं, और इसलिए आपको बहुत तेजी से अपनी जरूरतों को मैप करना है और जरूरी प्रबंध करना है। अब कई बार तेज बारिश के कारण बिजली चली जाती है और कहीं अस्पताल में बिजली चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ऐसे समय, तो ये चीजें अभी से हमको सोचनी पड़ेगी। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है और हमारा रिस्पॉन्स न भूतों न भविष्यति ऐसा ही होना चाहिए। इसी हौसले और संकलन के साथ, इसी इरादे और संकल्प के साथ हम देश को इस संकट से बाहर निकालेंगे। अभी कोरोना के खिलाफ आपको जो अनुभव मिलेंगे, वो भविष्य में भी आपके भी और देश के भी बहुत काम आने वाले हैं। इन अनुभवों का सही इस्तेमाल करके आप आगे भी देश की बड़ी सेवा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल प्रबंधन से भारत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आज सभी जो जी राज्य इस मीटिंग में है, उनके सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी समय निकाला। जब कार्यक्रम की रचना कर रहे थे, तब लग रहा था कि मुख्यमंत्रियों का समय इसमें व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिले के लोगों से बात करना है, वो तो जानते ही थे, लेकिन फिर भी इस विषय के प्रति गंभीरता को लेकर के, संवेदनशीलता को लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, एक एक गांव को कोरोना से बचाना है इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़े और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े,
तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से टेस्ट ज्यादा हो, इन सभी बातों पर बल देते हुए हम सफलता की दिशा में एक भी प्रयास न छोड़े, एक भी प्रयोग न छोड़े। मुझे विश्वास है कि जो आपसे सुना है उसमें एक आत्मविश्वास भी है, अनुभव भी है, नए नए तौर तरीके भी हैं। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करती है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुत बड़ा काम है, फील्ड में रहना है, आपके स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, और आप जिस क्षेत्र को संभाल रहे हैं वहां के एक एक नागरिक के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपका नेतृत्व काम आए, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।